So hey there boys and girls, and welcome back to our channel. So आज हम फिर से खेलने जा रहे पोकेमॉन ब्रह्मास्त्र। तो पिछले एपिसोड में अगर तुम्हें याद हो, हमें मिल गया था हमारा 70 बैज। और फिर वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि 18 बैज कैंटो में मिलेगा। तो हम पहुँच गए वर्मिलियन सिटी। अब हम इसी जिम में आ चुके हैं। तो अब हमें हराना होगा यहाँ के जिम लीडर जो होती है एलटी सर। तो चलो चलते हैं। क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? यहाँ पे एक बुजुर्ग मुझ जैसे बुजुर्ग के देखने आ गए। लगता है ये बहुत गुस्से में लग रहा है। एक्चुअली तुम देख सकते हो, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम्हें मेरा बैज चाहिए ना? हाँ बैज चाहिए सर। जब से मैंने रिटायरमेंट लिया है, मेरे पास सिर्फ कुछ ही बच्चे आते हैं ये बैज लेने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं अपना ऑक्यूपेशन एलडीयू रीजन में कभी नहीं छोड़ा। ओ मतलब ये सर एलडीयू रीजन में रहता था पहले, जैसे कि पहले मैं कैंटो में करता था। कुछ रीज़न के लिए नहीं, पर मैं अपने वैकेंसीज नहीं छोड़ना चाहता। बस जो डिटरमिनेशन है मैं यूज़ करता था, अब वह सब जल चुका है और मैं सिर्फ एक ही बूढ़ा आदमी बनकर जी रहा हूँ। अच्छा मेरा अपीरेंस बस सिर्फ यही है। ओके तो यहाँ पे ये बताया कि ये क्या कर रहे हैं, तो बैटल स्टार्ट कर देते हैं। ओके इसके पास ये ब्लेंड ग्रज, ये पता नहीं किस टाइप का पोकेमॉन लग रहा है, पर मैं सर्फ यूज कर लेता हूँ। टू एच डैमेज हुआ है, अगर वन शॉट होता तो होता 4H shot। ओके कोई बात नहीं, इस हरा दे हमने। अब आता है मैडनेसन स्टील इलेक्ट्रिक टाइप, तो मैं इसके खिलाफ चूज करूँगा इलेक्टबर्स्ट को। इलेक्टबर्स बाहर आओ, इलेक्टबर्स अभी फ्लेट हुआ था हमें यार। एंड यस हमने वन शॉट कर दिया इसको, बहुत अच्छा है इलेक्टबर्स। अब लेट्स सी कौन सा आइडिया इसका। देखा नहीं कौन सा आइडिया। ओके सुलोन मैं तुम्हें चुनता हूँ फिर से, मैं यही पैटर्न यूज करूँगा। ओके एग्रॉन एट डॉट का स्टील टाइप, इसको हराना इजी था। ओ वन शॉट नहीं हुआ ये, इसके पास आज स्टडी एबिलिटी थी इसलिए। ओके चलो अब बदला पोकेमॉन कौन से हैं। सारे पोकेमॉन लेवल अप होते क्लेन प्लान, तो मैं वापस से इलेक्टबर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इलेक्टबर्स आ जाओ मैं यार, इलेक्टबर्स एक बार फिर से अपना फ्लेम थ्रोअर करो। हाँ तुमने कर दिया, बहुत अच्छे, क्लीन प्लान भी हार गया। ओके लेट्स सी राइचू, एक मिनट ये कैसा राइचू है, ये पूरा स्टील टाइप लग रहा है, स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप है। ओ वाओ हमने इसको भी ऑलमोस्ट वन शॉट कर ही दिया। चल इसके पास भी स्टडी एबिलिटी है। ओके हमने राइचू को भी वन शॉट कर दिया और सर्च को हरा दिया हमने। मुझे मतलब नहीं तुमने कितना एफर्ट लगाया, ये रहा तुम्हारा बैच और तुम इतने दूर आए, तो आई आर मैं समझा नहीं यहाँ से ये क्या कह रहे हैं। वेल मुझे नहीं मतलब है। ओके ऑन अ बैच, हे ये तो ठंडा बैच लग रहा है, ये रस्टेड पीस ऑफ जानकी मेरा पुराना बैच है जब से जिम में है इसी कैंटो में। अच्छा मैंने इसको ऑनर बैच रिमाइंड मतलब रीनेम कर दिया ताकि ये मेरी मेमोरीज तो याद रखे। मैं तुम जैसे छोटे बच्चे से क्यों बात कर रहा हूँ। तुम्हें मिल गया ना जो चाहिए था, अब यहाँ से चले जाओ। क्या मैं हाथ तुमने क्या तुम कैसे देख लिए? तो आई गेस यहाँ से अभी अपनी पूरी कहानी बताई जाती क्या वैसे सा, मेरे को कहानी में सुनने का मन नहीं है। तो मैंने स्किप कर लिया कहानी एंड पता चला एलडीयू रीजन में टीम डायमेंशन का एक हाइड आउट है जहाँ पे मेरे को जाना है। एलडीयू रीजन के वेगा सिटी जहाँ पे अपना 7 बैज था वहीं पे जाना है। तो मैं पहुँच गया एलडीयू रीजन, तो चलते हैं वादी की तरफ। ओ हे शिवा यहाँ आओ, एस तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं देख के खुशी हुई, तो तुम्हारा बैच कैसा दिया जिम लीडर के अधीन? ओ ये तो ईसा है, वो तुम्हें सारे बैच मिल गया, बहुत अच्छी बात है।
शिवा बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, पर हम यहाँ अभी इसी काम के नहीं आए हैं। तो किस काम के लिए आए हो एस्टर, जरा बता सकते हो? मुझे एलिसा फोकस लटेड गोल की तरफ। मैं इंफॉर्मर के मुताबिक 3 डायमेंशनल हाइड्रा इसी सिटी के अंडरग्राउंड में है। अरे वाह, इसके पास में इंफॉर्मर और ट्रेवल के क्राइम फेडरल जैसे, उनका पैसेज नीचे की तरफ है। ए यस्टर, तुम सही कह रहे हो, चलो उसको ढूंढते हैं। मुझे अंदर चलते हैं, देखते कहाँ पे है। हे वेट, ये तो तुम्हें भी नहीं लगा ये सेलेडॉन सिटी में जो रॉकेट हाइड आउट ढूंढने का तरीका था पोस्टर के पीछे स्विच का वैसे ही वाला है? जो भी हो, ए ऐसे क्या देख रहे हो, मैं फेस में क्या रखा है? क्या तुम्हें लगता है मैं तो छुपा रहा हूँ? देखो मैंने क्या सुना तुम्हारे बारे में, बताऊँ? समझ नहीं, हम रोबोट झूठ नहीं बोलते, तुम इंसान जैसे, और मैं ये बात ऐसे प्रूव करूँगा। तो मैंने उस मशीन को हरा दिया, तो मैं जल्दी से अपने पोकेमोन को हील करके आपसे मिलता हूँ। तो यार मैंने अपने पोकेमोन को हील कर लिए हैं, तो अब चलते आगे की तरफ। मुझे ये आंटी यहाँ पे क्या चलिए है, वेगा शिवा यहाँ पे मेरे को इस नाली में देखना पड़ेगा। छी यक, आई हेट नाला। ओके तो नेक्स्ट एपिसोड में हम हाइड आउट ढूंढेंगे, तब ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।